जिला न्यायालय छतरपुर में शनिवार को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में विभिन्न बैंकों ने अपने पंडाल लगाए, वहीं नगर पालिका और एमपीपी ने अपने पंडाल लगाए। साथ ही अलग अलग खंडपीठ बनाई गई थी। इन खंडपीठों में पति पत्नी के विवाद एवं जमीन जायदाद जैसे विवादों को आपसी समझौते के आधार पर निपटाया गया। जिला न्यायाधीश हृदय श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि विशेष लोक अदालत की मंशा ये होती है कि किसी के बीच में भी कोई विवाद ना रहे और आपसी में ही उन्हें समझौते के आधार पर प्रकरण को समाप्त किया जाए। उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि प्रकरणों को ज्यादा लंबा न चलाएं और आपसी समझौते के आधार पर ही मामले को निपटाएं। इस तरह से मामले निपटाने पर ना किसी की जीत होती है ना किसी की हार होती है, दोनों लोग ही जीतते हैं। ये इस साल की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत है। इस लोक अदालत में सभी प्रकार के आपराधिक राजीनामा योग प्रकरण, 138 के चेक बाउंस के केसेज, फैमिली डिस्प्यूट तथा क्लेम केसेज तथा सिविल एंड अदर केसेज भी रखे गए थे। साथ ही साथ प्री लिटिगेशन के केस जैसे बैंक के हैं, नगर पालिका के टैक्स वसूली के केसेज हैं, बिजली विभाग के प्री लिटिगेशन केसेज भी रखे गए थे, जिसमें से अभी तक जो जानकारी मेरे को प्राप्त हुई है उसमें कम से कम 50 क्लेम केसेज का निराकरण हो चुका है और करीब 500 से ज़्यादा आईपीसी के या अन्य के प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरणों का मजिस्ट्रेट स्तर पर निराकरण किया जा चुका है। इसी साथ साथ बिजली के भी करीब 100 केसेज जो न्यायालय में लंबित है, अंदाजन उनका निराकरण किया जा सका है। इस लोक अदालत में 30 खंडपीठों का गठन किया गया था और ये सितंबर से ही हमारे सभी जज साहबान लोग जो है इसके लिए तैयारी कर रहे थे और लगातार प्री सीटिंग करके लोक पक्षकारों को नोटिस जारी करके आहूत किए थे और उनसे तैयारी की। और ये साल के अंतिम लोक अदालत में मेरी आशा है और अपेक्षा है कि हर ये चौथा जो इस साल का लोक अदालत है इसमें पिछले 3 लोक अदालत से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा प्रकरण निराकृत होंगे और संभवतः हम 800 करीब प्रकरणों के निराकरण करा करने में सक्षम होंगे।